अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। लास्ट मेरी वीडियो में मैंने आप लोग को गैर सब्जेक्टिव के एमसीक्यू 135 तक करवा दिए थे। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 136। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एन्थैल्पी ऑफ कंबशन इज, ऑप्शन में हमारे पास चार ऑप्शन हैं, ए बी सी एंड डी। तो ऑप्शन ए में हमारे पास है ऑलवेज पॉजिटिव, ऑप्शन बी में है हमारे पास ऑलवेज नेगेटिव, ऑप्शन सी में है हमारे पास मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और ऑप्शन डी में है सेम फॉर ऑल रिएक्शन। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, ऑलवेज नेगेटिव। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 137 की तरफ। 137 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ब्यूटेरिक ट्रेरिक एसिड वाज नेम आफ्टर ब्यूटेरियम ब्यूटेरियम विच मीन चार ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी। ऑप्शन ए में है चीज, ऑप्शन बी में है बटर, ऑप्शन डी में है विनेगर, ऑप्शन डी में है आन। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, बटर। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 138 की तरफ। एट व्हाट टेम्परेचर प्योर एसिटिक एसिड फ्रीज टू एन आइस लाइक सॉलिड एंड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड चार ऑप्शन है हमारे पास, ए बी सी एंड डी। ऑप्शन ए में है हमारे पास 15 टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड, बी में है 16 सेंटीग्रेड, सी में है 17 सेंटीग्रेड, डी में है 18 सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है 17 सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर हम चलते हैं 139 एमसीक्यूज की तरफ। नैनो पेप्टाइड कॉन्टेन हाउ मैनी पेप्टाइड लिंकेज।
तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी। ऑप्शन ए में है 8, ऑप्शन 9 में, ऑप्शन बी में है 9, ऑप्शन सी में है 10, ऑप्शन डी में है 11। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 8, यानी कि ए, इसमें हमारे पास 8 है। तो ये हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। तो अब हम चलते हैं 140 MCQs की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर कैन नॉट बी रिमोल्डेड अगेन एंड अगेन बाय हीटिंग। यहाँ पे चार ऑप्शन है मेरे पास, ए बी सी एंड डी। ऑप्शन ए में है हमारे पास थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, ऑप्शन बी में है हमारे पास थर्मो सिटिंग पॉलीमर, और ऑप्शन सी में है हमारे पास बोथ ऑफ दिस, और ऑप्शन डी में है नन ऑफ दिस। इसमें जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, थर्मोसिटिंग पॉलीमर। तो यहाँ पर हमारे 140 तक MCQs कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है ये MCQs समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह नए MCQs के साथ, नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।